मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर शहर से सटे राऊ में रात में शराबियों का मेला लगा रहा। दरअसल रात के वक्त राऊ स्थित शराब दुकान पर शराब लेने वालों की भीड़ लगी रही। शराब दुकान के बाहर न सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी और न ही लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। शराब दुकान के संचालक ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का जमकर माखन उड़ाया। जानकारी मिलते ही राऊ थाने का बल और नगर परिषद राऊ का अमला मौके पर पहुंचा और पुलिस को देखते ही शराबी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को डंडे से हड़काया तो वहीं नगर परिषद राऊ के अमले ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। शराब दुकान के बाहर लगी हजारों की भीड़ के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मामले पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने संज्ञान लिया है और कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरह से इस शराब दुकान में कोविड मापदंडों का उल्लंघन करते हुए भीड़ एकत्रित की गई है, इस पर कलेक्टर ने आबकारी विभाग और संबंधित शराब दुकान के ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने इस इलाके के आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन को सस्पेंड कर दिया है। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, जहाँ पर कलेक्टर ने दंड स्वरूप अगले 24 घंटे तक यह शराब दुकान बंद रखने के आदेश भी दिए हैं। और कलेक्टर ने कठोर लहजे में कहा है कि किसी भी स्तर पर कोविड मापदंडों के उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राऊ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवा डिंगू का कहना है कि राऊ में जो भीड़ उमड़ रही है वह ज्यादातर इंदौर की जनता है, क्योंकि इंदौर में संडे का लॉकडाउन लगने के कारण शहर की जनता यहां आकर शराब खरीद रही है। ऐसे में राऊ में भी संक्रमण बढ़ने की चिंता है, इसलिए उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से राऊ में भी संडे का लॉकडाउन लगाने की अपील की है। किस तरह की चालानी कार्रवाई की गई है? जो मास्क नहीं लगाता है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? अभी तो 4-5 के अगर भागी भग गए हैं। सर आप आए थे तो कितने लोग थे यहाँ पर? काफी भीड़ थी। अब क्या स्थिति है? बस प्रशासन साथ में था तो सब भग गए, अभी क्लियर हो गए। 4-5 बनाए सर। आपका नाम? बद्रीलाल मालवी, नगर परिषद राऊ। भाई साहब आज संडे है, लॉकडाउन की स्थिति रहती है, ऐसे में इंदौर शहर की जनता राऊ में टूट रही है। नगर परिषद का क्या नियम है कि यहाँ पर सारी शराब की दुकानें खुली हुई है, किस तरह से पालन कराया जा रहा है? यहाँ पर अभी देखने में आया है कि पुलिस बल और नगर निगम परिषद ने यहाँ पर सबको हटवाया। ये बड़े दुख की बात है कि इंदौर शहर जैसा रविवार के दिन लॉकडाउन रहता है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे राऊ नगर को उससे बाहर रखा है। पूरा इंदौर शहर आज राऊ में उल्टा हुआ है। शराब दुकान हो चाहे खाने के ढाबे हो, जनता ये नहीं देख रही कि कोरोना बीमारी महामारी बढ़ती जा रही है, उससे बचना कैसे चाहिए। उल्टा और इंदौर का कोरोना हमारे राऊ में आ रहा है। मैं प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इंदौर शहर रविवार को लॉकडाउन रहे, ऐसा राऊ भी रहे, क्योंकि लॉकडाउन को कोई महत्व नहीं रहता है। अगर इंदौर शहर बंद और राऊ खुला है तो सारी जनता यहाँ आती है और उससे कहीं ना कहीं राऊ की जनता असुरक्षा महसूस कर रही है। हमारे यहाँ भी आज मतलब बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है कि अगले रविवार को राऊ को भी लॉकडाउन किया जाए। ऐसी में भी अनेकों चौराहे पर गया था, जनता से रूबरू हुआ, वहाँ लोगों ने मुझे ऐसा बताया और मैं कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा राऊ के दोनों राजनीतिक दल जो भी जितने भी गणमान्य आगे बुला के कि साप्ताहिक जो बाजार है सोमवार हमारा, उस पर भी हमको निर्णय लेना है और अगले रविवार का लॉकडाउन का निर्णय भी हमें लेना है। हमारी टीम नगर परिषद की अधिकारी व पुलिस बल राऊ थाने का दोनों मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वाइन शॉप पर गए थे, हजारों की तादाद में लोग वहाँ खड़े हैं, जैसे शराब फ्री में बट रही है। प्रशासन और नगर परिषद दोनों मुस्तैद है, लेकिन जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा काम कर रही है जिससे उनकी खुद की तो जान जाएगी लेकिन हमारी भी जान की सुरक्षा हमको करना पड़ेगी। इसलिए हम कल सब बैठ के निर्णय लेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या हो, क्योंकि ये कोरोना महामारी ये नहीं देख रही कि अमीर है गरीब है, ऊंचा है नीचा है, बीमारी सबको होती है। और आज मेरे राऊ में भी 2 कोरोना से सामान्य मृत्यु मतलब कोरोना मरीज की मृत्यु हुई है, कल भी हुई थी। रोज़ मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर भी चल रहा है और कल से जांच वाला सेंटर भी चालू हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्कता ज़्यादा रखना पड़ेगी। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मास्क जरूर लगाए,
सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भैया आपको लगता है कि जो अभी राव में जो भीड़ उमड़ रही है पूरी इंदौर की? देखो लगता क्या, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इंदौर राव में इतनी भीड़ नहीं होती, क्योंकि राव में सामान्यतः लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, गाँव के लोग अपना जो काम रहता है वो खेती बाड़ी के लोग है, किसान आदमी है, जाके अपना काम जंगल में जाके कर सकते हैं, घूम फिर लेते हैं। लेकिन इंदौर शहर का लोग खाने पीने के नाम पर इंदौर शहर छोड़ के राव में आ रहा है, ये बड़े दुख की बात है। और इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगले रविवार को मैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदौर के साथ राव को भी बंद किया जाए। क्या इंदौर पुलिसिंग फेल है? इंदौर पुलिसिंग फेल नहीं, इंदौर शहर के लोग बाहर वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सुविधा, कुछ व्यवस्थाएं शहर पुलिस ने दी है कि आप कहीं भी आवागमन पर रोक नहीं है, लेकिन आप किसी प्रतिष्ठान, दुकान या नहीं खोल सकते, ना भीड़ कर सकते हो। तो किसी न किसी कारण से इंदौर शहर की जनता राव आ रही है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनता नियमों का पालन नहीं कर रही है। शिव डिंगू, अध्यक्ष नगर परिषद राव। यहाँ पर सूचना मिली थी कि इंदौर के कुछ व्यक्ति यहाँ शराब पीने के लिए ठेके पर आए हुए हैं, यहाँ पर देखा तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, तो भीड़ को भगा दिया गया। कितने लोग हैं सर अभी यहाँ मौके पर? अभी तो मौके पर कम से कम मिनिमम 100-150 के समथिंग तो फिर भी होंगे। सर ये क्या, किस तरह की कार्रवाई, इनके चालान बना रहे हैं? इनके चालान, जिनके मार्क्स नहीं उनके मार्क्स से चालान कार्रवाई की जा रही है। सर ये कैसे आ गए, कुछ पता चला इतना इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति, उसके बाद यहाँ कैसे आएंगे ये लोग? तो सब मोटरसाइकिलों से बाहर बाईपास से भी आ सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, तो इनके ऊपर निर्भर है। सर दुकान संचालक को किसी तरह की कोई कार्रवाई कर देगा? अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे तो छूट है 11:30 बजे तक रहती है। सर ग्रामीण में क्या नियम है? निरीक्षक गौरी शंकर पारस है। सर ग्रामीण में क्या नियम है, मास्क नहीं अभी समय तो? सर माना जाए कि शहरी पुलिसिंग जो है फेल नजर आ रही है। हाँ तो सभी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।